आज के इस वीडियो में बताएंगे डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना। आप किसी भी यूज के लिए डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना चाहते हैं, या पैन कार्ड बनाने के लिए, या कोई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आप डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे किस तरह आप किसी भी JPG को रिसाइज कर सकते हैं, PDF को रिसाइज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो आपको रिसाइज करने के बारे में बताती है और करती भी है, लेकिन वहाँ पे जो रिसाइज है तो वो आपके मन के मुताबिक रिसाइज नहीं हो पाता है कि मुझे इतने MB इतने KB के JPG चाहिए, इतने MB इतने KB की PDF चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे आप अपने मन के हिसाब से रिसाइज अपने फ़ोटो PDF फाइल को कर सकते हैं, उसको आप पैन कार्ड बनाने में भी या अदर काम में भी यूज में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना हो jisanmonitor.in की वेबसाइट पर। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे न्यू एक ऑप्शन, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे अब इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए NHDL पेन और UTI पेन, NHDL पेन डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर रिसाइज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि डायरेक्ट आप अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए कि ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन से क्या क्या आप कर सकते हैं। ऑनलाइन से JPG टू PDF कर सकते हैं, PDF टू JPG कर सकते हैं, जो भी कहना चाहिए क्लिक पे क्लिक करेंगे। PDF को रिसाइज कर सकते हैं, अनलॉक PDF कर सकते हैं, और PDF को लॉक कर सकते हैं, PDF को एडिट कर सकते हैं, यानी पेज को हटाना, PDF दो तीन PDF को एक PDF बना सकते हैं, रिमूव पेज, PDF से कोई पेज हटा सकते, वर्ड टू PDF बना सकते हैं, यानी कि MS Word में लिखा उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते, PDF से वर्ड में कन्वर्ट कर सकते, और फोटो सिग्नेचर ये आप ऑनलाइन कर सकते। साथ साथ यहाँ ऑफलाइन के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया गया। ये सारी चीज़ पर हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए सबसे पहले पहले ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है JPG टू PDF, यानी कि पास आपके पास कोई फोटो उसको PDF बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर है। क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे और वो फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे जिसको आप PDF बनाना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ये फोटो, इसको मैं सेलेक्ट किया, ये फोटो जैसे कि यह देख पा रहे यहाँ पे आ चुका है। इसे आप रोटेज भी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे साइज भी इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसकी भी साइज़ आप, यानी कि जो PDF जो बनेगी उसकी साइज कम कर सकते हैं, नॉर्मल स्मॉल या छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको नॉम को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक किया, हमारा PDF बन के रेडी हो चुका है। ये ऑटोमेटिक आप डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अभी आप डाउनलोड होगा, देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। अगर आपका आपके पास दूसरी ऑप्शन है PDF टू JPG, आपके पास PDF है दो तीन पेज का, एक पेज का, उस PDF को आप JPG यानी फ़ोटो में कन्वर्ट करना चाहते तो उसके लिए क्लिक पे क्लिक करेंगे। आपके सामने PDF टू JPG की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे सेलेक्ट PDF फाइल पे क्लिक करेंगे और वो PDF फाइल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ चुका, और कन्वर्ट टू JPG पे क्लिक करेंगे। ये PDF फाइल पहले अपलोडिंग लेगा, उसके बाद ये आपका JPG कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं JPG कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है। अगर ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं हो रहा है तो डाउनलोड JPG IMAGE पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है PDF रिसाइजर। सबसे मैंने PDF को रिसाइज करना, PDF की साइज़ को कम ज़्यादा करना, उसके लिए क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट पे ऑनलाइन टू PDF.com की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आना है PDF को रिसाइज करने के लिए, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके वो PDF को सेलेक्ट करना है जिसकी साइज़ आप कम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस PDF की साइज़ को कम करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी इस PDF की साइज़ देख लेते हैं, इस PDF की साइज़ 2.24 MB है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज़ कम करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये अपलोडिंग होगा। उससे पहले यहाँ पे इमेज क्वालिटी को आप ज़्यादा करेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगा, कम करेंगे जैसे अभी 3 ऑटोमेटिक तो इसको 2 कर लेंगे, और यहाँ पे DPI अगर 150 है तो 120 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट क्या रखना चाहते हैं ये कलर ही रखिए। उसके बाद कन्वर्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे कन्वर्ट पर क्लिक कीजिए ये आपका PDF पहले अपलोडिंग लेगा। ये अपलोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड भी ऑटोमेटिक हो गया है। इसकी साइज़ अभी आपको हम दिखाएंगे, शो इन फोल्डर करेंगे, और ये PDF है जिसको मैंने अभी रिसाइज किया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी साइज़ देख सकते हैं 116 KB हो चुका है, यानी कि बहुत कम गया। इसे ओपन करके भी दिखा देते आपको इसकी क्वालिटी, तो आप देख सकते क्वालिटी डाउन नहीं है, क्वालिटी सेम है, क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आई है। ठीक है, तो साइज़ भी कम हो चुकी। इसी तरह अपने हिसाब से आप रिसाइज कर सकते हैं,
फिर से यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर जितना कम रखेंगे उतनी कम केबी में कन्वर्ट होगा और जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा में कन्वर्ट होगा। और रिजोल्यूशन डीपीआई में भी वही है, जितना ज़्यादा रखेगा उतना ज़्यादा साइज का बनेंगे, जितना कम रखिएगा उतना। तो आप 72 रखिए, 72 से नीचे रखिएगा तो आपका क्वालिटी डाउन हो जाएगा। इस तरह पीडीएफ की भी रिसाइज एक क्लिक पे कर सकते हैं। चौथी है पीडीएफ अनलॉक, अगर कोई पीडीएफ पे अनलॉक लगा हुआ पासवर्ड तो उस पीडीएफ का पासवर्ड हटा सकते हैं, उसके लिए क्लिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे जिस पे आप जिसको लॉक जो पीडीएफ को अनलॉक करना चाहते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा पीडीएफ नहीं जिसको अनलॉक करना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक पीडीएफ को लॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए पीडीएफ लॉक का भी ऑप्शन है, किसी भी पीडीएफ में लॉक लगाएंगे उसके लिए क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, यहाँ पे कोई भी एक पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट किए और यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो कौन सा पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे पासवर्ड लिखिए और उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पे कंफर्म कीजिए। यहाँ पे मैं 1234 पासवर्ड देता हूँ, फिर उसी 1234 कन्फर्म में भी। उसके बाद यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो पीडीएफ है उसमें पासवर्ड लग चुका है और वो अभी डाउनलोड भी होगा आपके सामने। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है और जब भी इस पीडीएफ को ओपन करेंगे यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने पीडीएफ को जैसे ओपन किया यहाँ पे पासवर्ड मांग दिया, तो पासवर्ड 1234 देंगे जो मैंने लगाया था, एंटर करेंगे हमारा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी पीडीएफ में लॉक भी लगा सकते हैं। अनलॉक करने के लिए सिंपली से इसी अनलॉक वाले क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसको अनलॉक करना है, जैसे कि हमने डाउनलोड किया था अभी ये वाले फाइल है जिस पे लॉक लगा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। आपके आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देने के बाद ये अनलॉक हो जाएगा। देखिए ये अभी पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि मैं इसी वेबसाइट से इसको लॉक भी किया था, इसी वेबसाइट से इसको अनलॉक भी कर रहा हूँ, इसलिए पासवर्ड यहाँ पर नहीं मांगा लेकिन अनलॉक हो गया। अगर किसी दूसरी वेबसाइट से आप लॉक किए होंगे और अगर अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे पहले पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आपको अनलॉक करके पीडीएफ दे देगा। साथ साथ यहाँ पीडीएफ एडिट भी कर सकते हैं, दो तीन पीडीएफ को एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पीडीएफ में ज़्यादा पेज है, कोई एक पेज को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक कर भी क्लिक करके उसी वो भी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर अगर आपके पास एमएस वर्ड में कोई वर्ड लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, जिसके लिए क्लिक कर भी क्लिक करना होगा। सभी का लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, अगर आपके पास पीडीएफ है और उसको वर्ड में चाहते हैं कन्वर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। सबसे मेन जो है फोटो एंड सिग्नेचर, जो भी पैन कार्ड में पैन कार्ड बनाते हैं वो रिसाइज करने बोलता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर भी क्लिक करेंगे आपकी न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड अगर बनाते हैं तो ये फोटो सिग्नेचर आपको एक क्लिक में रिसाइज करके दे देगा। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, वो फोटो को सिलेक्ट करेंगे जिसकी जिसको आप रिसाइज करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे गेट फोटो पे जैसे क्लिक करेंगे इस फोटो की विथ हाइट 213 और डीपीआई 300 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि पैन कार्ड के लिए एक ज़रूरी ये साइज होती है। तो इस पर गेट फोटो पर क्लिक करेंगे आप, हमारा जो फोटो यही साइज में कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सिग्नेचर भी हमारा विथ 400, हाइट 200 और DPI 600 में कन्वर्ट होगा, उसके लिए चूज फोटो पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे। तो यहाँ पे सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे गेट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको सिग्नेचर की साइज में रिसाइज करके दे देगा और फोटो भी रिसाइज करके दे देगा। यहाँ से आप पैन कार्ड के लिए फोटो सिग्नेचर को एक क्लिक में रिसाइज कर सकते हैं। और PDF अगर बनाना चाहते हो तो PDF बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर में ही दिया गया है JPG जो PDF, और उसके बाद अगर PDF की साइज़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको यहाँ पे PDF रिसाइज का भी ऑप्शन मिलता है, उस PDF को रिसाइज करके साइज भी कम कर सकते हैं। ये तो ऑनलाइन तरीका हो गया। आप देखिए ऑफलाइन में भी एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर JPG जो PDF, एक ही सॉफ्टवेयर जो ऑफलाइन काम करेगी, जिसके लिए आपको सिर्फ एक बार इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद इंटरनेट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए JPG जो PDF टू JPG स्कैन डॉक्यूमेंट कर सकते डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर से, PDF को मर्ज कर सकते, जितने भी इमेज की साइज रिसाइज के ऑप्शन हो सारे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए क्लिक कर पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक कर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड NFE S2
करके आएगा, इस पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना अपने सिस्टम में, डाउनलोड करने के सिस्टम में इंस्टॉल करना। उसके बाद आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। ओपन करने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ये सिस्टम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। उसके बाद जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्कैन का ऑप्शन है, आपके सिस्टम के साथ जो भी प्रिंटर कनेक्ट रहेंगे उससे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए इस पर स्कैन बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे सिस्टम में कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, अगर कनेक्ट रहेगा तो ये स्कैन के लिए बोलेगा। और यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पर इनपुट इनपुट का एक ऑप्शन, जैसे कि कोई भी JPG को PDF बनाना, PDF को JPG बनाना, वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज है, कंट्रोल के साथ हम एक दो इमेज तीन चार इमेज जितने इमेज को सेलेक्ट करना चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने तीन इमेज को सेलेक्ट किया। अब अगर इसको हम PDF बनाना चाहे तो सिंपली से सेव PDF पे क्लिक करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे कहाँ सेव करना है और उसका नाम दे देंगे, फाइल का नाम यहाँ पर हम दे देंगे, सेव कर देंगे। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन बिना किसी इंटरनेट का ये PDF कन्वर्ट हो चुका है। अगर चाहे तो इसे आप मेल पे भी भेज सकते हैं, प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं। चलिए ये तीनों फाइल को हम अभी डिलीट करते हैं, एक बार डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक PDF फाइल को सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने JPG सेलेक्ट किया था, यहाँ पे देखिए एक PDF फाइल है, PDF फाइल को सेलेक्ट किए और ये दो पेज का PDF फाइल, दोनों पेज की यहाँ पर PDF आ चुकी। अगर इसको हम JPG में कन्वर्ट करना है तो सेव इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे और सेव कर देंगे। ये इमेज में कन्वर्ट हो चुका, PDF से इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये दो JPG भी रहेगा और एक PDF भी जोड़ के एक और PDF बनाएंगे, जैसे कि एक ये PDF हो गया, ठीक है, तो ये दो JPG है और ये एक PDF है, ये तीनों पेज को हम एक PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह आ चुका है। अब सेव PDF पे क्लिक कर देंगे, ये तीनों एक PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस PDF को मेल करना चाहे तो यहाँ मेल कर सकते हैं, अगर प्रिंट करना चाहे प्रिंट भी, जैसे कोई पेज को प्रिंट करना है इस पेज को सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट बटन भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर किसी पेज को रोटेट करना है तो पेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोटेट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ साथ आप देखेंगे ये पेज थर्ड नंबर में है, ये पेज तीन नंबर में, PDF के तीन नंबर में ये पेज है। अगर आप चाहते हैं इस पेज को एक नंबर में दे तो पेज को सेलेक्ट करेंगे, मूव अप करेंगे, ये पेज एक नंबर में चले गया। अगर आप चाहते हैं ये पेज को थर्ड नंबर में दे तो पेज को सेलेक्ट करेंगे, मूव डाउन कर देंगे और PDF को पेज को भी आगे पीछे यहाँ से आप कर सकते हो ऑफलाइन, ठीक। और यहीं से आप सेव भी कर सकते हो ऑफलाइन तरीके से। तो सारे काम आप इस सॉफ्टवेयर से ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के लिंक्स से, आप लिंक्स पे क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं।